₹50 वीक में दे दे। आप दे दे ₹50 वीक में दे दे। करूंगा ना जिंदगी भर याद रखेंगे भाई। आप कौन हो? समझा भाई कौन हो क्या मतलब? यहाँ पे आप लड़कियों को छेड़ेंगे? एक मिनट सिंगाले के मुंह वाले मेरी बात सुन। एक मिनट सिंगाले के मुंह वाले मेरी बात सुन। दूसरी वाली उठा ली। ओ हेलो भाई, कौन है आप? कौन है आप? आप बच्चे से ऐसी चीजें छीन छीन के क्यों खा रहे हैं? इन्होंने खुद दी है मुझे। बेटा आपने खुद दी है? आपने तो आप एक काम करें ना, अगर आपको चीजें खाने का इतना शौक है तो आप बाहर से जाके खरीद के खाएं। छोटे मासूम बच्चों की चीजें खाते हैं, ऐसा होता है? बेटा हेलो, जब हम आपको जानते ही नहीं है तो आप बिला फालतू क्यों हमारे पास आके बैठे? बच्ची को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं बैठा नहीं हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ और इन्होंने खुद कहा ये खाएं। मेरा मतलब ये है कि खुद भी आप खड़े या बैठे इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं चेक ये क्या बदतमीजी है? हाँ ये कोई तरीका होता है? अरे देखिए इसके अंदर एक्सपायरी डेट लिखी है। ओ यू शट अप, एक्सपायर हो? एक मिनट, आप बिल्कुल सही हो, छोड़े इसको। ये क्या तरीका है आपका? अरे एक मिनट, दो तो सही। क्यों दो में? अगर आपको खाने का इतना शौक है तो जाएं बाहर जाके भीख मांगे, कुछ भी करें, खरीद के खाएं। आप अपने टिकटॉक बना रहे हैं ना, आप अपने टिकटॉक बनाएं। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम आपको जानते नहीं है तो आप क्यों डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं? आप मुझे थोड़ा सा चेक करने दे। चेक कर रहे हैं? दिमाग ठीक है आपका? अरे भाई इसको पकड़ो जरा, इसको पकड़ो। वाह ठंडी हो रही है। इस बंदे को तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, अभी तूने मेरे को क्या समझा हुआ है? अगर मैं कोई मैडम पढ़ी लिखी लग रही हूँ तो तू क्या समझता है? सईदा कुरैशन नाम है मेरा, चीर के रख दूंगी आज के बाद अगर मेरी बच्ची हमारे करीब आया तो। अबे तू है कौन? अरे मैं दो मिनट खाली इसको चेक कर रहा हूँ। आप तो देखी नहीं, चले लिफ्ट कराने के लिए। मैं पैसे दे दूंगा इसके, क्या हो गया अब? हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। फिर ये कल्टी शाह का नारा लगा, चल। अच्छा ये दाल ले जाते, आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पैसे नहीं चाहिए ना? आप क्या समझते हो? हमारे साथ अगर कोई मर्द नहीं है, हम मर्दों से भी ज्यादा है। तेरी ऐसी की तैसी करूंगी, तेरी बत्ती से बाहर निकाल दूंगी। खाला जुबेदा बात तो सुन लो, तुम क्या रेसलिंग लड़की हो? बात तो सुन लो, तमीज से, एक्सक्यूज में तमीज से बात करो। तो आप इतना ऐसे ऐसे कर रही है, क्या करती हो? आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लेडीज भी साथ है, बच्ची साथ है, चीजें छीन छीन के खा रहे हैं। मैंने छीनी नहीं बेटा, मैंने आपसे छीनी है। ये नया तरीका निकाला है लेडीज को डिस्टर्ब करने का। आपने बोला ना खाए अंकल, खाए खाए। बहरहाल कुछ भी था ना, बोल रही है बराए मेहरबानी जाओ यहाँ से, निकलो, चलो। चले कोई मतलब नहीं, आप लोग आगे पीछे जाए, मैं यहाँ पे तिजोरी। आगे पीछे जाए? अरे वाह, इधर लाओ तुम्हारी ऐसी। ये हमारे पैसे, आपको मैंने क्या कह दिया कि खबरदार अगर अब आप यहाँ नजर आए, ये ना हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। देखिए मैडम आप नाराज हो रही है। नाराज तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो आपसे हमसे बात की जाए। एक मिनट, आपको बुरा लगा ना मैंने चीजें खाई, आपको बुरा लगा? हाँ तो देखिए मेरे पास इस बार जेब में कुछ भी नहीं था, मैं खरीद कर खा सकूँ। मैं सुबह से आया हूँ, मेरी तो भीख मांगे कुछ भी करे। आप दे दे ₹50 वीक में दे दे। आप दे दे ₹50 वीक में दे दे। आई डोंट केयर मैं क्यों दूँ आपको, आप मेरे फूफी के बेटे लगते हैं या चचा जायजात लगते हैं, मैं क्यों दूँ आपको? आप मुझे ₹40 दे दे। अरे कुछ नहीं यार, मैं बच्ची से चीजें खा रहा हूँ, बिला वजह गुस्सा हो। यहाँ पे हम टिकटॉक बना रहे, फूल आके तंग कर रहे, बदतमीजी कर रहे। तरीके की बात नहीं है, मैं तो खाली यार ये टेस्ट कर रहा था कि दाल आपको क्या है बच्ची। यार दाल एक्सपायर तो नहीं है, मैं ये चीज चेक कर रहा था। ये देखेंगे, एक्सपायरी चेक करते हैं, डॉक्टर लगे वो। भाई फूड में मेरा ताल्लुकात है, उनसे बोलूंगा भाई इन चीजों पे पाबंदी लगाओ। कौन से खानदानी ताल्लुकात हैं कि फूड से कैसे चेक मेरे है ना यार, आप इधर टेस्ट करवाए। अरे आप दूर रहे, समझ में आई? दूर है भैया, बिल्कुल। आपको ऐसा टेस्ट करूंगा ना जिंदगी भर याद रखेंगे। भाई आप कौन हो? समझा भाई कौन हो क्या मतलब? यहाँ पे आप लड़कियों को छेड़ेंगे? क्या मतलब लड़कियों को छेड़ेंगे? आप हो कौन? ये कौन है? कौन बताऊं मैं आपको? कौन तुम्हारी औकात क्या है? देखे आराम से निकलते हैं या फिर आपको समझाऊं अच्छे तरीके से?
अरे भाई समझाने की बात नहीं है मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, मेरी जेब में कुछ पैसे नहीं है। मैंने बोला बच्चे की बच्ची से छीनोगे आप? यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो स्टेशन रेलवे पे जाओ, टांग टेढ़ी करो और भीख मांगो, मिल जाएंगे बहुत सारे पैसे। हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट सिंघाड़े के मुंह वाले मेरी बात सुन, एक मिनट सिंघाड़े के मुंह वाले मेरी बात सुन। छक्कल देखिए अपनी, अल्लाह माफ करे, ऐसे बुला जैसे तुझे अभी मैं चुकंदर बना दूंगी, ऐसा मुक्का मारूंगी ना। अरे भाई अभी बात कर रहा हूँ ना मैं आपके भाई से, सवाल तो कर जाओ। बात करें यहाँ क्या तरीका है कि आपका ये छेड़ने का? कौन छेड़ रहा है भाई? क्या बच्ची से चीजें कब छेड़ा? मैं तो बच्ची से छीन लेके खा रहा हूँ। आपको क्या आंख बंद है, क्यों ले रहे हैं ऐसी चीजें? मैं तो टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ। अच्छा आपको बुरा लग रहा है, आप पैसे दे दो, मैं लेके खरीद के खा लेता हूँ। पैसे दे दो। अरे भाई आप खरीद के दे दो, मैं लेके खा लेता हूँ। हेलो बिल्कुल एक, अरे भाई अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे भाई एक मिनट चुप तो हो जाओ। देखो मैडम नहीं, क्यों चुप हो जाओ बहन, आपको खेड़ा ही है ये। अरे नहीं भाई एक मिनट बता रहा हूँ मैं, बनाते क्या कर रहे हो यार? भाई कुछ भी नहीं कर रहा, ये अपनी टिकटॉक बना रही थी। मैं दरअसल प्रैंक करता हूँ भाई, मैंने कैमरा छुपाया वो दरख के पीछे, मैं इनके साथ एक छोटा सा मजा। कौन सा कैमरा? अरे वो है काम कैमरा कहाँ है? अरे वो रहा भाई, वो देखो आप चल रहा है। कौन कैमरा वैमरा नहीं है यहाँ पे? अरे देखे आपको बता दिया ना, प्रैंक कर रहे थे हम, छोटा सा मजाक कर रहे हैं। दुबई अमेरिका नहीं है कि खुल के प्रैंक कर लिया, ये पाकिस्तान है कराची है। अबे भाई बता तो रहा हूँ, मैं ऐसे लगाऊंगा ना भाई। वो देखो सामने, वो देखो सामने लगा हुआ कैमरा, ये देखो बंदा आ गया, ये आया कैमरा लगा हुआ, हमारा प्रैंक चल रहा है भाई। अगर आप हमें मना करेंगे हम वीडियो नहीं डालेंगे। आप अगर आपको पूरा देखो भाई, आप लोग भाई एक मिनट देखे, आपकी इजाजत होगी ना हम वीडियो डालेंगे। इजाजत लेनी चाहिए थी ना, हमारी फैमिली पता नहीं। अच्छा असल मैम, अगर इजाजत लेंगे तो आप प्रैंक कैसे हो जाएगा? हम आपसे अगर आप मना करती हम नहीं डालेंगे। चले ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप किसी भी लेडीज से इस टाइम प्रैंक करें। भाई आप लोग जाओ यार, कोई मारने आ गए गरीब को भाई, प्रैंक कर रहे हैं आप लोग। अच्छा सामने हार का हार दिला दे, वो देखो कैमरे की तरफ देख के हार दिला दे। नौकरी मेरे बस से बाहर होती जा रही थी, मैंने सोच लिया था अपना काम ही मेरी मंजिल है, जहां तरक्की के लिए सही को गलत और गलत को सही ना कहना पड़े। यही सोचकर मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। मेरे दोस्त यार, हत्ता के मेरे घर वालों ने भी बहुत कुछ कहा। क्यों लगी लगाई छोड़ के बैठ गए? वो खानदानी बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं। ओ भाई, हम जैसे जॉब करने वालों की बस की बात नहीं है, बिजनेस करेंगे। अब उनको क्या बताता, काम छोटा बड़ा नहीं, काम अपना होता है। दिन रात इंटरनेट पर बिजनेस प्रपोजिशन सर्च करता रहा। एक दिन aroplan.pk का ऑनलाइन एड देखा, मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी। फौरन उनके ऑफिस चला गया। जो उम्मीद बांधी थी aroplan.pk को उससे बढ़कर पाया। आज मेरी अपनी aroplan की शॉप है। इस aroplan से साफ शफाफ पानी घर घर पहुंचता है। कल तक जो लोग मुझे बातें सुनाते थे आज मेरी तरक्की के गुण गाते हैं। ये है aroplan.pk के तेजी से फैलते कारोबार से जुड़े सैकड़ों अफराद में से एक फर्द की कामयाबी की कहानी, उनकी अपनी जबानी। कम सरमाया शफाफ कारोबार aroplan.pk से राब्ता कीजिए।